9 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय ने सिख सैनिकों के लिए 12,730 बैलास्टिक हेलमेट्स खरीदने का ऑर्डर दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने इसका विद्रोह किया। वहीं दूसरी तरफ हेलमेट बनाने वाली कंपनी ने कहा कि सिखों की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर इस हेलमेट को डिजाइन किया है और सिख सैनिक आराम से इसे अपनी पगड़ी के ऊपर पहन सकते हैं। अब ये हेलमेट जो बुलेट प्रूफ है और इस हेलमेट से जंग के समय एक सैनिक की लोकेशन को इजीली ट्रैक किया जा सकता है और साथ ही हेड सेंसर, कम्युनिकेशन डिवाइस और नाइट विजन के साथ ये एक मॉडर्न वॉर हेलमेट है। वहीं दूसरी तरफ SGPS का कहना है कि सिख के सर पर बंधी पगड़ी उसके सर का ताज है और सिख की एक पहचान है जिसे हेलमेट से नहीं बदला जा सकता। अब ये पूरा मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सिखों ने अंग्रेजी सरकार की बात को ना मानते हुए बिना हेलमेट के ही बहादुरी से जंग लड़ी थी। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं।